सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए शांति हीरो और आज यहाँ वीडियो शूट कर रहे जो हीरो की न्यूली लॉन्च एक्सट्रीम 160R स्टिल्थ ब्लैक वर्जन आई है। तो इस पर सिर्फ आपको कलर का अपडेट नहीं मिला है, बहुत कुछ इसके फीचर्स वगैरह में भी अपडेट हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारा सिनेमैटिक्स वगैरह कैसा लगा है। सब कुछ करेंगे इस वाली बाइक के ऊपर में, सारा कुछ कवर करके बताएंगे रिगार्डिंग द एग्जॉस्ट नोट हो गया, मीटर हो गया और मीटर वगैरह में कुछ अपडेट आया है, साथ साथ एक और चार्जिंग पॉइंट का अपडेट है। तो वो सब आपको कवर करके बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखना। और हमें अभी तक अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना और साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। तो और ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक बताओ आप लोगों को एक्सट्रीम 160R कैसी लगती है। नो डाउट मैं बोल रहा हूँ इस वाली वर्जन नहीं, बाकी अगर एक्सट्रीम 160R पे मैंने वीडियो बनाया तो वो वाली वीडियो जाके चेकआउट करना, कॉज ये वाली तो मार्केट में अभी जस्ट लॉन्च ही हुई है और ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, तो होपफुली मार्केट में तहलका मचाने वाली है ये वाली कलर। तो चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Grew up a little too fast, I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans, the only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating. तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में जैसा आप लोगों ने देखा होगा इसमें आपको 1000 लाइट ऑफरिंग मिलता है, मतलब 1000 लाइट कंपनी की तरफ से मिलती है, तो दोनों इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे होंगे। और फ्रंट का हेडलैम्प वगैरह देखोगे तो मॉन्स्टरस लुक तो आता ही है, साथ साथ LED यूनिट सारी सेटअप आपको मिलेगी जितनी आपकी फ्रंट हेडलैम्प वगैरह है। एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो देखो जैसा फ्रंट हेडलैम्प LED यूनिट में है एंड साथ साथ LED DRLs वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हीरो का लोगो आपको मिलता है फ्रंट में, कंप्लीट ब्लैक सेटअप में फ्रंट का फेस है। टेलीस्कोपिक फोक्स आपको प्रोवाइड की गई है और साथ साथ अगर जो फ्रंट का मडगार्ड है वो भी कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश में है, तो ओवरऑल लुक काफ़ी प्यारा आ रहा है मैट ब्लैक कलर का। नो डाउट ब्लैक कलर की कोई भी बाइक रहे काफ़ी अच्छी लगती है। और डार्क नाइट एडिशन आप लोग इसे कह सकते हो, हालांकि ये स्टिल्थ एडिशन कह के आता है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ABS मिलता है, सिंगल चैनल ABS। तो ABS का मार्क आप यहाँ पे देखो, फ्रंट का डिस्क हो गया, ये ABS का रिम हो गया। टायर की बात करते हैं तो 100x80 डायमेंशन का टायर है, 17 इंच का एलॉय व्हील है, कम्प्लीट ब्लैक सेटअप में एलॉय व्हील है, MRF का टायर। और इस साइड से भी आप एक बार देख लो, जैसे एलॉयज में इसके रेड कलर का रिम्स, मतलब रेड कलर के ग्राफिक्स टाइप का प्रोवाइड किया गया है, रेड कलर का स्टिकर टाइप का प्रोवाइड किया गया है, MRF का टायर है। और ओवरऑल अगर फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिफाइन लुक तो आता ही है, साथ साथ ब्लैक कलर में तो और भी अच्छी लुक आ रही है। आते हैं इसके हैंडल सेटअप पे, तो हैंडल में एज सच वैसा कुछ चेंज नहीं है, जितने स्विचेस वगैरह जैसे ये किल स्विच वगैरह हो गया, इग्निशन का हो गया, ये 3-in-1 आ जाता है, मतलब कि 3-in-1 समझ जाओ इस स्विच को, किल स्विच ऑफ है, ऑन है और नीचे ज़्यादा प्रेस करोगे तो इग्निशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पास लाइट हो गया, हाई बिन लो बिन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, ये हॉर्न हो गया, साथ साथ ही आपका 1000 लाइट का स्विच हो गया जो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और इस वाले मॉडल में आपको नीचे में यहाँ पे चार्जर केबल एक प्रोवाइड किया हुआ है, एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपनी डेटा केबल को कनेक्ट करके चार्ज लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, तो बेसिकली बोलूँगा मैं ये चार्जिंग केबल नया अटैच्ड है जो काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। और एक माउंट लगा लोगे हैंडल में तो अपने फ़ोन को चार्ज करते हुए आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बाकी स्विच ऑन करेंगे तो नेगेटिव डिस्प्ले पे है और साथ साथ इसमें आपको अब गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर आप देख सकते हो। बाकी सर्विस वगैरह का SI बटन, ये RPM वगैरह हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, टाइम वगैरह, ऑडो एंड ऑल, और ये फ्यूल का इंडिकेटर एंड साथ साथ ABS का। और लॉन्ग प्रेस M को जब आप करोगे, मतलब राइट वाले स्विच को करोगे, तो ब्राइटनेस का भी आता है जिससे आप अपने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सब इसमें न्यू फीचर अटैच हुए रिगार्डिंग द मीटर हो गया, रिगार्डिंग गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर हो गया, और साथ साथ नीचे में आपको मोबाइल कनेक्टर, मतलब कि मोबाइल कनेक्टर नहीं, नीचे में मोबाइल चार्जर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये ब्राइटनेस वाला फीचर इसमें नया लॉन्च है, आप लोग कितना भी ब्राइटनेस वगैरह कर इसमें लगा सकते हो। और एज सच देखोगे तो
आपको बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल ही जाती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो ये तो हो गया कंप्लीट इसका हैंडल और मीटर का सेटअप। बाकी टैंक में आते हैं, तो टैंक आपको 12 लीटर का प्रोवाइडेड है और कंप्लीट ब्लैक कलर में टैंक प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी अच्छी फिनिश लग रही है और ब्लैक में रेड ग्राफिक अच्छे से दिखता है। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम 160R की, तो काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। इस साइड आते हैं तो एक्सट्रीम स्टिल्थ का जैसा मोनोग्राम आपको है वो आपको 3D में दे दिया गया है। एक्सट्रीम का एक्स आपको रेड में दिया हुआ, तो ये भी काफ़ी अच्छे से प्लेस किया हुआ है और ओवरऑल लुक टैंक का लुक इन्हेंस कर दिया है। अपोजिट साइड में आते हैं तो यहाँ से भी आप देखो सेम इसके टैंक में जैसा एक्सट्रीम स्टिल्थ ये वाली जो एरिया है ये आपको 3D में मोनोग्राम में दिया हुआ है और प्रोग्राम डिफाई वगैरह का बैच आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल टैंक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं जो ब्लैक कलर के आए हैं। नो डाउट ब्लैक कलर में शुरुआत से बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे आते हैं अब इसके इंजन पे, तो 163cc का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन आपको प्रोवाइडेड है। 4 स्ट्रोक में है, 2 वॉल्व है और सिंगल सिलेंडर है, साथ साथ सिंगल चैनल ABS भी है। पावर वगैरह की बात करें तो 15.2 PS का पावर और 14 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी इसका इंजन नीचे आप लोग देखोगे तो कंप्लीट ब्लैक सेटअप में इंजन है, ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ब्लैक। और किक वगैरह का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कैटालिटिक कैन हो गया, ऑटो सेंसर हो गया। तो एक बार एग्जॉस्ट नोट आप लोग को सुना देते हैं इसका स्टार्ट करके। तो काफ़ी पतला एग्जॉस्ट नोट है लेकिन ओवरऑल बोलोगे तो काफ़ी स्मूथ भी है। जब RPM मीटर हिट करता है, आगे हिट करता है, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट में चेंज भी आता है इसके साउंड में। ओवरऑल काफ़ी सही एग्जॉस्ट है और स्टैंड कट स्विच भी है इसमें। तो स्टैंड नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टैंड कट स्विच फीचर। तो देखो स्टैंड नीचे हुई, यहाँ पे एक गियर में आया तो आपका जो इग्निशन है वो बंद हो गया कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छा फीचर है रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड ऑल वी कि स्टैंड कट स्विच वगैरह प्रोवाइडेड है। और बाकी एग्जॉस्ट नोट तो आप लोगों ने सुना ही। सीट कुशनिंग की बात करें तो वेल्ड कुशन सीट है, काफ़ी अच्छे से कुशन किया हुआ है सीट को। और 160R का यहाँ पे आप ग्राफिक वगैरह भी देख सकते हो, नीचे पैनल में आपको दिया हुआ है। टेल लाइट की बात करें तो स्मोक्ड टेल लाइट आपको मिलते हैं, जैसा आप लोग देख लो एक बार, स्मोक्ड टेल लाइट है तो काफ़ी अच्छी लगती है। राइट लेफ्ट रिफ्लेक्टर्स मतलब राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स भी आपके जैसा फ्रंट में डिटो वैसी, एंड साथ साथ हज़ार लाइट ऑफरिंग है। तो टेल व्यू भी आप लोग देख लो कैसा आता है। नीचे आपको साड़ी गार्ड वगैरह दिया हुआ है। टायर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके, कॉज आप लोग को जब मैं इनका डायमेंशन दिखाऊँगा तो आप लोग देखो, कॉज इसको जब मैंने राइड किया था हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी इसकी। कमेंट सेक्शन में बताना ये वाला कलर राइड करूं कि नहीं करूं। MRF का टायर आपको रेयर में मिल रहा है, 130 सेगमेंट का, 130x70 का, 17 इंच का एलॉय है। फ्रंट रेयर में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है एंड एलॉय कम्प्लीट ब्लैक, और यहाँ पर आप रेड ग्राफिक देख सकते हो। तो भाई ये था इसका कम्प्लीट ओवरऑल वॉक अराउंड बोल दो, ओवरऑल आप लोग रिव्यू बोल दो। तो चलो अब प्राइस वगैरह आप लोगों को बताते हैं जो शांति हीरो में आप लोगों को पड़ेगा इसका। तो हमें एक शोरूम प्रोवाइड हुआ है जो आपको पड़ रहा है 1,19,180 रुपीज़। और बाकी अगर आप लोग को ऑन रोड वगैरह जानना है, EMI वगैरह जानना है, डाउन पेमेंट वगैरह जानना है, या फिर कोई भी रिगार्डिंग ऑफर वगैरह रिगार्डिंग द बाइक अवेलेबल और नॉट कुछ भी वैसा जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है शोरूम के एम्प्लॉय वगैरह का, वहाँ पर आप लोग आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम 160R जो ये वाली कलर आई है अपडेट होकर, स्टिल्थ मॉडल आई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। कॉज नो डाउट ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है कोई भी बाइक का रहे। और अगर अपडेट्स वगैरह की बात करें तो जैसा आपको चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया, साथ साथ ब्राइटनेस वगैरह अपडेट कर दिया गया, गियर वगैरह का पोजीशन दे दिया, मतलब गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर दे दिया गया, तो नो डाउट काफ़ी अच्छी बाइक हो गई है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी अच्छा चलती है। और बाकी पिकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छी है 160cc के हिसाब से। और अगर माइलेज वगैरह की बात की जाए तो 45 तो आप लोग को आराम से मिल जाता है। बाकी LED सेगमेंट वगैरह फ्रंट में है ही, सिंगल चैनल ABS है ही, तो आप लोग आराम से अगर 160
160cc की बाइक लेना चाह रहे हो हीरो की या फिर कोई भी लेना चाह रहे हो तो एक बार आप लोग टेस्ट करके देख सकते हो। बाकी कलर स्कीम्स वगैरह मार्केट में न्यू है तो काफ़ी अच्छा जचेगा, मोनोशॉक सस्पेंशन वगैरह है ही। तो खैर कोई नहीं, सारा रिव्यू, सारा वॉक अराउंड, एग्जॉस्ट लोड वगैरह सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब करते हैं वीडियो को एंड। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।